फौजी पिता। त्रिपुरा नामक शहर में एक फौजी अपनी पत्नी और 5 साल की बच्ची के साथ रहता था। उस बच्ची का नाम रूही था और उसके पिता का नाम विवेक और माता का नाम लक्ष्मी था। रूही के पिता फौज में थे, इसलिए वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहा करते थे और साल में सिर्फ त्योहारों पर ही घर आते थे। रूही का ज्यादा समय उसकी माता के साथ ही बीतता था, पर फिर भी वो अपनी माता से ज्यादा अपने पिता से प्यार करती थी और रूही अपने पिता की भी बहुत लाडली थी। जब भी कोई त्योहार पास आने वाला होता था, रूही हर पल अपनी माता से यही पूछती थी कि माँ, पिताजी कब आने वाले हैं। और जब भी उसके पिताजी छुट्टी लेकर घर आते थे तो रूही के लिए काफी सारे तोहफे चॉकलेट लाते थे। इस बार होली का त्योहार पास था। होली 10 दिनों बाद थी। रूही अपनी माता से पूछती है, माँ, पिताजी कब आएंगे? बेटा, अभी पिताजी को आने में थोड़ा सा वक्त है। पर क्यों माँ, अब तो होली भी आने वाली है। हाँ बेटा, पर अभी होली को आने में 10 दिन बाकी हैं। हाँ माँ, तो क्या हुआ, पिताजी को फोन करके बोलो ना जल्दी आने के लिए। बेटा, अभी आपके पिताजी ड्यूटी पर होंगे तो मैं उन्हें शाम को फोन करूंगी। नहीं माँ, मुझे नहीं पता, आप पिताजी को अभी फोन करिए और ये भी कहना कि वो मेरे लिए रंग और चॉकलेट भी लेकर आए और एक सुंदर सी ड्रेस भी लेकर आए। नहीं बेटा, अभी नहीं बोला ना मैंने, शाम को फोन करूंगी। माँ के मना करने पर रूही बहुत तेज तेज रोने लगती है और अपनी माँ से गुस्सा भी हो जाती है। रूही, ऐसे नहीं रोते बेटा। अच्छा चलो तुम चुप हो जाओ। नहीं, पहले आप पिताजी को फोन करो। अच्छा ठीक है, मैं कर रही हूँ फोन अभी, अब तो चुप हो जाओ। रूही चुप हो जाती है और कहती है, माँ आप कितनी अच्छी हैं। अब रूही की माँ उसके पिताजी को फोन लगाती है और बोलती है, रूही के पिताजी आप कब आएंगे, आपकी लाडली देखिए ना कैसे जिद कर रही है। रूही के पिताजी बोलते हैं, लाओ तुम मेरी रूही से बात कराओ, तुम फोन उसको दो। रूही की माता रूही को फोन देती है और कहती है, ये लो रूही बेटा, अपने पिताजी से तुम ही पूछ लो कि वो कब आएंगे। रूही अपनी माता से फोन लेकर अपने पिता से बात करने लगती है। पिताजी आप कब आओगे? मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ बेटा। पर कब और कितनी जल्दी पिताजी, अब तो होली भी आने वाली है, सिर्फ 10 दिन रह गए हैं होली के। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि होली आने वाली है, इसलिए मैं 3 दिन बाद आ रहा हूँ घर। ठीक है पिताजी, पर आप मेरे लिए बहुत सारे रंग चॉकलेट और सुंदर सी ड्रेस भी लेकर आना। ठीक है बेटा, और भी कुछ लाना है क्या? नहीं पिताजी, और कुछ नहीं लाना, बस हाँ आप जल्दी आ जाइए। ठीक है बेटा, अब मैं फोन रखता हूँ और कर्नल के पास जाकर छुट्टी लेता हूँ। ठीक है पिताजी। अब फोन काट कर रूही के पिताजी कर्नल के पास जाते हैं और 3 दिन के बाद से छुट्टी मांगते हैं। होली तक के लिए उनके कर्नल उनको छुट्टी दे देते हैं। पर जब रूही के पिताजी कर्नल के पास से छुट्टी लेकर शाम को दोबारा ड्यूटी पर होते हैं, तब अचानक से उनके पास कहीं से बॉम्ब आ गिरता है और उनके बेहद पास होने की वजह से बॉम्ब के फटने से रूही के पिताजी के हाथ पैर में इतनी चोट आती है कि उनके पूरे शरीर में इस बॉम्ब का गलत असर ना पड़े, इसलिए उनके आधे हाथ को काटना पड़ता है। इस वजह से रूही के पिताजी बहुत दुखी होते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि मुझे अपनी छुट्टी कैंसिल करा देनी चाहिए, वरना रूही मेरी इस हालत को देखेगी तो वो बहुत दुखी हो जाएगी और बहुत रोएगी। रूही के पिताजी का वहीं पर एक दोस्त भी होता है जिससे रूही के पिताजी अपने मन की सारी बात करते हैं। रूही के पिताजी अपने दोस्त के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, अनुज मैं एक बहुत बड़े दुख में हूँ। हाँ मैं जानता हूँ तुम अपने हाथ को लेकर दुख में हो ना। नहीं नहीं अनुज, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा। तो फिर किस बारे में और कौन से दूसरे दुख में हो तुम? मैं रूही को लेकर परेशान हूँ, जब वो मेरे हाथ देखेगी तो उसको कैसा लगेगा। मैं सोच रहा हूँ मैं इस बार घर ना जाऊं, अगर मैं घर गया तो उसकी होली खराब हो जाएगी। तुम ये क्या बोल रहे हो विवेक? हाँ मैं सही कह रहा हूँ अनुज, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। नहीं विवेक,
तुमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पर क्यों अनुज? क्योंकि ये जो तुम्हारा हाथ है अब वो हकीकत है, कभी ना कभी तो उसको पता लगेगा ही, आज नहीं तो कल। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तुमको छुट्टी लेकर घर जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारी बेटी को ये बात बाद में पता लगी तो उसको और बुरा लगेगा। हाँ तुम ये तो सही कह रहे हो अनुज। और अगर तुम घर नहीं जाओगे तो बेशक तुम्हारी बेटी का त्योहार अच्छा ना रहे, ऐसा हो सकता है, तुम उसके साथ रहोगे तो वो पहले तुम्हारे हाल को देखकर जरूर रोएगी, परेशान होगी, पर तुम उसको हौसला देना और समझाना। ठीक है अनुज, मैं जाता हूँ घर और मैं उसको भी समझाऊंगा। तुम्हारा शुक्रिया मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, वरना मैं तो बहुत परेशान हो गया था। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है दोस्ती में। ठीक है अनुज, फिर मैं जाता हूँ घर। अब रूही के पिताजी की छुट्टी का समय आ गया और वो ट्रेन पकड़कर घर आ जाते हैं और घर के गेट पर आकर आवाज मारते हैं। रूही दरवाजा खोलो, देखो मैं वापस आ गया हूँ। रूही जल्दी से आकर दरवाजा खोलती है। रूही की माँ भी अंदर से बाहर गेट पर आ जाती है। रूही के पिताजी एक हाथ में अपना बैग लिए और दूसरा हाथ अपनी कमर के पीछे रखे रखते हैं। पिताजी आप आ गए। हाँ बेटा मैं आ गया। पिताजी आप ही अपने पीछे क्या छुपा रहे हैं हाथ में? रूही अपने पिताजी को देखकर सोचती है, शायद पिताजी मेरे लिए जो रंग ड्रेस और चॉकलेट्स लाए हैं वो छुपा रहे हैं, पर रूही के पिता तो असल में अपने हाथ को छुपा रहे थे जो आधा कट चुका है। चलो बेटा पहले अंदर घर में चलो। नहीं पिताजी अभी दिखाइए। अरे दिखा दीजिए ना। पिताजी थोड़ा उदासी के साथ कहते हैं रूही की माँ, रूही को लेकर घर में चलो अंदर। बेटा रूही तुम्हारे पिताजी थक गए होंगे, चलो पहले पिताजी को अंदर आकर थोड़ी देर आराम करने दो। अब सारे अंदर घर में आ जाते हैं। रूही के पिताजी अपना हाथ अब भी छुपाए रखते हैं और रूही से बोलते हैं, रूही बेटा अंदर कमरे में जाओ, मुझे तुम्हारी माँ से कुछ बात करनी है अकेले में। रूही अंदर चली जाती है। रूही की माँ, एक परेशानी हो गई है। रूही की माँ घबराहट के साथ पूछती है, क्या हुआ? तुमको मैंने रूही से अलग इसलिए बुलाया है कि तुम मेरी परेशानी समझ सको और इस चीज का दुख मनाने के बजाय रूही को भी समझाओ कि वो रोए ना। हुआ क्या है आप ये तो बताइए। देखो तुम ज्यादा मत घबराना और ना ही रोना, अगर तुम रोई तो हम रूही को कैसे समझाएंगे? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाहते हैं? पिताजी अपना हाथ आगे करके दिखा देते हैं और सारी बात बताते हैं ये कैसे हुआ। रूही की माँ बहुत परेशान हो जाती है रूही के पिताजी की ये हालत देखकर और उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं, पर वो ये सोचकर कि अगर वही ऐसे रोने लगेगी तो रूही का क्या होगा, वो खुद को संभालती है और रूही के पिताजी से कहती है, अब क्या हाल होगा? कि हमें उसको समझाना पड़ेगा कि रोने से और दुख मनाने से कोई फायदा नहीं है, अब जो हो गया सो हो गया, अब इस सच को स्वीकार कर लो तुम भी। इतना कहकर पिताजी रूही को आवाज देकर बुलाते हैं। रूही हमारे पास आओ। आई पिताजी। रूही अपने पिताजी के पास आती है और पिताजी रूही से कहते हैं, रूही मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। हाँ जी पिताजी कहिए ना। रूही को भी सारी बातें बता देते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। पहले तो पिताजी का हाल देखकर रूही बहुत रोती है, पर रूही को उसकी माता और पिता दोनों बहुत समझाते हैं और उसको चुप करा लेते हैं कि बेटा हमें तो देश के लिए ही जीना और देश के लिए ही मरना है, हमारे लिए क्या कोई त्योहार और क्या परिवार, जब हम ड्यूटी पर होते हैं तो हमें ये भी नहीं पता होता कि हम अगले पल कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। इतना बोलकर रूही के पिताजी बैग में से चॉकलेट रंग और जैसा कि रूही ने कहा था एक ड्रेस के लिए वो निकाल कर देते हैं और कहते हैं, ये लो रूही तुमने जो जो कहा था मैं तुम्हारे लिए सब लेकर आया हूँ। पर पिताजी आपके हाथ का क्या? बेटा जो हो गया सो हो गया, हमें हमारे साथ हुई गलत बात को सोचकर अपने आने वाला वक्त खराब नहीं करना चाहिए, बल्कि आने वाले वक्त को खुशी से जीना चाहिए। रूही अपने पिता की बात को अच्छे से समझ जाती है और अब वो तीनों इस गम को भुलाकर होली के दिन को भी बहुत खुशी से मनाते हैं।